ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट 2024 में आज हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जिसका ये क्वेश्चन ये है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थ्री आइसोमर पेंटेन फॉलो द ऑर्डर एन पेंटेन आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन। स्टेटमेंट सेकंड था, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीज द मॉलिक्यूल अटेन शेप ऑफ स्पेयर द रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टेक्ट ड्यू टू विच द इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक देयर बाई लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। जनरली पेंटेन जो होता है उसके थ्री आइसोमर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आइसोमर होता है एन पेंटेन, सेकेंड आइसोमर होता है आइसो पेंटेन और थर्ड आइसोमर होता है नियो पेंटेन। नियो पेंटेन थ्री आइसोमर्स जनरली पेंटेन प्रिपेयर करता है। इन आइसोमर्स के अंदर जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, वैसे वैसे इस आइसोमर्स में सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज होता है। इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पेंटेन आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो सही है, और इसका सेकंड जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इसका कारण स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो इसका आंसर रहेगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट।